हे गाइस, दिस इज शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है वंदे भारत का, तो आप लोगों को शायद से पता होगा कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। सो यस, अगर आप लोगों ने गेस किया है तो इट इज़ राइट, आई एम ट्रैवलिंग टू लक्षद्वीप। मैं क्रूज़ से जा रहा हूँ कौटिला से, और हम लोगों का 4 नाइट वाला पैकेज है। दो पैकेजेस होते हैं लक्षद्वीप के लिए, गोवा के थ्रू जाता है और एक डायरेक्ट लक्षद्वीप जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट लक्षद्वीप जा रहे हैं। आज हमारा 8 बजे का शिप है, सो हम लोगों ने बोर्डिंग सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली हैं। अगर मैं आप लोगों का स्टार्टिंग से प्रोसीजर बताऊं, तो सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे ग्रीन गेट से, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन चेक कराने पड़ेंगे। फिर आप लोग एंट्री करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास और आधार कार्ड आपसे मांगेंगे। तो आप लोग बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट ज़रूर लेके आइए अपने साथ में, हम लोगों ने प्रॉपर फाइल बनाई थी। उसके बाद एक चेक इन काउंटर है, वहाँ पर आप लोगों को सारी फॉर्मेलिटीज़ बताई जाएगी और एक कार्ड दिया जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार्ड है, ये आपको हैंडी रखना है हमेशा। जैसे एक क्रेडिट कार्ड होता है, आप लोग उसमें पैसा डालते हो, वैसे ही आप लोग पैसा डाल सकते हो। जैसे अगर आप लोग कार्ड में पैसा डाल रहे हो, तो आप लोग अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। आप शॉपिंग कर सकते हो, स्पा यूज़ कर सकते हो, आप लोग एक्सकर्शन में यूज़ कर सकते हो, आप लोग ड्रिंक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। सो अंदर जो भी है वो सारी चीज़ें डॉलर्स में होती हैं, और सारी चीज़ें डॉलर के अकॉर्डिंग, इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग चार्ज होगी जो कन्वर्ट करके आप दोगे। बाकी आप लोगों को जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप कार्ड में डलवा सकते हो। अप्रॉक्स हमने 5,000 रुपये डलवाया, क्योंकि हमने एक्सकर्शन पहले से ही बुक किया हुआ है। और अगर आप लोग फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कैश दिया जाएगा। अगर आपने यूज़ नहीं किया, 1,000-2,000 रुपये बचे, तो आप लोगों को कैश दिया जाएगा जब आप लोग डीबोर्ड करोगे, शिप वापस आओगे तो। और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, तो आपके सेम अकाउंट में पैसा आएगा। बहुत अमेजिंग सफ़र होने वाला है। कौटिला जो क्रूज़ है, इस ये जो है ये एम्प्रेस है, इट इज़ अप्रॉक्स 30 to 33 years old। 1990 में बना था ये, और कुछ अगर मैं, डोंट कोट मी ऑन दिस इज़ लाइक 1300 करोड़ रुपए का बना था उस टाइम। ये सेकेंड हैंड शिप है, और ये वाटर लेजर प्राइवेट लिमिटेड ने ख़रीदा हुआ है, और वो लोग इसको चलाते हैं। और ये जो सबसे पहले चालू हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊँगा कि टिकट कैसे बुक की जाए, मैंने कैसे बुक करा, अंदर क्या अकोमोडेशन है, फूड का क्या इंतज़ाम है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या मिलता है, एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल। सो ये वीडियो आप पूरा देखिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करिए एंड मेरे को सपोर्ट करिए। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प मिलेगी, इफ़ यू वांट हेल्प दे कैन हेल्प यू। देखिए कितना प्यारा लग रहा है शिप। नमस्ते, सो आप लोगों का वेलकम होगा बहुत अच्छी तरीके से, ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। व्हिच वन इज इट? दिस इज लाइट सिटी। तो जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे, तो आप लोगों का वेलकम होगा और वेलकम ड्रिंक्स ऑफर करेंगे, आप लोगों को टीका लगाएंगे, लाइक यू कैन सी दिस। और वेलकम ड्रिंक्स मिलेगी, लाइम और ऑरेंज, डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या है। और लिफ्ट है, देयर आर लिफ्ट। हमारा डेक 8 पे है। वेलकम टू कौटिला क्रूजेस। अभी हमारा जो रूम नंबर है वो 8602 है, हम लोगों ने ओशियन व्यू लिया है। सो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को मेरा रूम टूर कराता हूँ, जो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप लोग इस रूम के बारे में, जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका व्यू है, मैं आप लोगों को सबसे पहले व्यू दिखाता हूँ। इस व्यू का एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो अगर आप लोग अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, तो ये रूम ज़रूर लीजिए, स्टैंडर्ड मत लीजिए, क्योंकि वो पूरा पैक्ड रहता है, आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये व्यू जो है
ये अमेजिंग होने वाला है, हम लोग आगे पूरा ब्लू वाटर्स देखने वाले हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेलीविजन है, फिर यहाँ पर देखिए आप क्लोजेट है, काफी सारे हैंगर्स दिए हुए हैं आप ये देख सकते हैं, लॉकर भी है, फिर यहाँ पर भी हैंगर्स हैं, यहाँ पर पूरा बहुत अच्छे से इन लोगों ने कॉम्पैक्ट फुली डिजाइन किया है। यहाँ पर लाइफ जैकेट है। फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का वॉशरूम। सबसे अच्छा लगा मुझे वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, मगर सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर एक मिरर दिया है बहुत अच्छा, यहाँ पर आप अपने कपड़े टांग सकते हैं। यहाँ पर पॉट है। यहाँ पर सबसे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जेट स्प्रे नहीं है। वो कितना इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कितना नहीं है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर जेट स्प्रे नहीं है, आपको टिश्यू है, यहाँ पर छोटा सा शॉवर है, बाकी सारी चीज़ें हैं, सारी एमिनिटीज़ हैं बाकी। और ये ओशन व्यू है, तो ओशन व्यू में भी तीन टाइप की कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड होता है, एक मेड होता है, एक प्रीमियर होता है। तो हम लोगों ने ओशन व्यू प्रीमियर लिया, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है, मैं आप लोगों को आगे आगे धीरे धीरे बताता जाऊँगा, तो आप लोग ये वीडियो में बने रहिए। बाकी यहाँ पर ड्रॉर्स दिए हुए हैं, तो आप लोग अपना सामान, अपना जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ड्रायर भी दिया हुआ है, हम लोगों को आइडिया नहीं था कि ड्रायर मिलेगा, तो अगर आप लोग ड्रायर यूज़ करते हैं तो आप लोग मत आइए। यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल दी हुई है, यहाँ पर आप बैठ के आपका जो भी करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर एसी का कंट्रोल है, यहाँ पर स्विचेस हैं, यहाँ पर एक्चुअली इंटरनेशनल चार्जर है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग इस शिप में आ रहे हैं तो एक इंटरनेशनल चार्जर ज़रूर लेके आइए। मैं जो लेके आया हूँ मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोगों को वो लेना है तो वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी ड्रॉअर्स हैं, यहाँ पर काफ़ी ड्रॉअर्स दिए हुए हैं आप देखिए। और अगर आप लोगों के ट्रॉली बैग बड़े बड़े हैं तो आप लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें भी पहले लगा था कि रूम बहुत छोटा है कहाँ पर रखेंगे। तो आप लोग ये बेड के नीचे, यहाँ पर आप बेड के नीचे ट्रॉली बैग रख सकते हैं, और इतना भी छोटा रूम नहीं है जितना लग रहा था। यहाँ पर आप लोग आपका बैग रख सकते हैं, देखिए हमारे मीडियम साइज़ के बैग हैं, तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने रख दिए। जब ये दोनों बेड अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जब शिप सेल होना स्टार्ट होगा 8 बजे तब वो लोग ज्वाइन कर देंगे। तो अगर आप लोगों को डबल बेड चाहिए कंबाइंड वाला, तो वो सुइट से ही स्टार्ट होता है, आपको स्टैंडर्ड ओशन व्यू में नहीं मिलता है। आपका वहाँ पर लैंप दिया हुआ है दोनों साइड, अगर आप लोगों को पढ़ना है रेडी लैंप भी दिया हुआ है। अभी अगर हाँ अभी मेन इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग 4 लोग आ रहे हैं तो भी एक रूम में आप लोग फिट हो सकते हैं। ये जो आप बेड देख रहे हैं, ये बेड जो है ये खुल जाता है, दोनों साइड बेड हैं। तो जैसे एक ट्रेन में एसी क्लास होता है वैसी अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही अगर आप लोग 4 लोग आ रहे हैं तो। बाकी मज़ा बहुत आने वाला है शिप में। अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि लंच में क्या क्या है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि अगर आप लोगों का शिप रात को 8 बजे है, तो आप एटलीस्ट 5-6 घंटे पहले बोर्ड करिए, जल्दी आ जाइए क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो गाइज ऐसा एक एक्टिविटी ब्रोशर मिलेगा आपको डेली बेसिस पे, और इसमें सारी डिटेल्स रहती हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे की, क्या क्या शिप में चल रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है। सो आप लोग इस शीट को रेफ़र कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है तो आप लोग ये देख सकते हैं। लंच करने जा रहे हैं, तो लंच जो है वो डेक 10 में है। आप लोगों को दिखाते हैं कि लंच में क्या क्या है, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इन डिटेल बताता हूँ। तो डेक 10 इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी यहाँ पर स्विमिंग पूल है। टाइमिंग 1:30 बजे से 4 बजे तक, हाई टीच 4:30 से 6, डिनर 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भरपूर खाना पीना मिलेगा आपको। सो गाइज हमारा खाना हो गया है, काफ़ी अच्छा खाना था। आप लोगों को सारी चीज़ों की वैरायटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है मगर थोड़ा बहुत वैरायटी, जैसे सूप में एक वेज एक नॉन वेज मिलेगा। डेजर्ट बहुत सारे हैं, 4-5 डेजर्ट हैं, 2 सब्जी हैं अगर आप वेज वेज हैं तो, 1-2 नॉन वेज का सब्जी है, और भी काफ़ी कुछ है, चावल है, दाल है, फ्राइड राइस है, एवरीथिंग इज़ देयर। खाने में कोई भी कमी नहीं रहेगी, अगर आप लोग कौटिला में आ रहे हैं तो खाने के लिए निश्चिंत होकर आइए। तो हाई टी स्टार्ट हो गया है, तो हाई टी में यहाँ पर पाव भाजी है, कुकीज़ हैं और चाय और कॉफ़ी है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि अभी लंच किया है सब लोगों ने, तो पता नहीं पाव भाजी कौन ही खा रहा है। छोटा सा हाई टी है, अच्छा है, चाय तो हमें अच्छी मिली क्योंकि 2 ही टाइम चाय जो है वो विदाउट प्री मिक्स मिलती है, जो डिप वाली नहीं होती, एक सुबह मिलती है ब्रेकफास्ट में और एक हाई टी में मिलती है।
सो गाइज अभी शिप जो है निकलने वाली है, 8 बजने वाला है, 7:30 हो गया है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे ये लोग अनडॉक करेंगे, बिल्कुल ऐसा साइड में ले जाएंगे, फिर वो शिप सेल होगी। वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत समय से ये सोच रहा था कि मैं मुझे ऐसा एक्सपीरियंस करना है। तो अभी मैं ज़रूर मैं इसको पूरा देखूंगा और आप लोगों को भी पूरा दिखाऊंगा। बाकी अभी हम लोगों ने एक सेफ्टी ड्रिल कंप्लीट की है, या एक सेफ्टी ड्रिल होती है जो आप लोगों को कंपलसरी अटेंड करना पड़ता है, जो 7 बजे होती है। उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं सेफ्टी के अकॉर्डिंग कि अगर इमरजेंसी हुआ तो क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग इस वीडियो में आके देखोगे, वो प्रॉपर वीडियो बनाया है उसका, तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये सेफ्टी ड्रिल ज़रूर अटेंड करिए अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिए। यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखता है हल्का हल्का, और वो ताज होटल है, वो आप डोम देख रहे होगे, और वो बाजू वाला न्यू ताज है। बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ से आप लोग। अभी शिप चलने वाली है, 8 बजने को आया है, इट इज़ 7:18। सो गाइज यहाँ से अब ये जो है ना, ये यहाँ पर इस साइड खींचेंगे तो पूरा शिप जो है वो उस साइड चला जाएगा, फिर इट विल स्टार्ट सेलिंग। तो ये अभी अनडॉक कर रहे हैं। Reach your cabin to get your life jacket, please do not panic. Additional life jackets will be provided at your master stations. So guys, अगर आप लोग वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं और जैन फूड खाते हैं तो आप स्टारलाइट करके रेस्टोरेंट है डेक 5 में, आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आप लोग यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि डेक 10 में जो है वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मिक्स है। यहाँ पर दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ओनली वेजिटेरियन एंड वेज यू विल गेट। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं और आप लोग सुबह स्विमिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग स्विमिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। सो गाइज वी हैव इन ब्रेकफास्ट कैलॉग्स हैं, यहाँ पर दूध है, ओट्स भी है, हॉट मिल्क है, या फ्रूट्स, वाटरमेलन, मार्शमेलन, पाइनएप्पल, एंड ढोकला ऑल्सो, इडली सांभर, वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, अनियन उत्तपा, आलू टमाटर भाजी, देन मेथी पराठे, रोस्टेड, सम स्वीट्स। ब्रेकफास्ट में काफ़ी ऑप्शन है, मैंने आप लोगों को दिखाया, जैसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा टेस्ट है। यहाँ पर अगर मैं इडली का टेस्ट करूँ तो काफ़ी सॉफ्ट है, बढ़िया है। सांभर, नॉर्मली सांभर मीठा होता है, मगर यहाँ का सांभर मीठा नहीं है। इडली तो इट इज़ गुड, बड़ा गर्म है, बाकी खाने की सर्विस बहुत अच्छी है, खाना बहुत अमेजिंग मिलेगा आप लोगों को। क्रिस्पी है बड़ा, अभी खाना तो मेरे को अच्छा लगा। यहाँ का साबूदाना खिचड़ी भी बहुत अच्छी है। सो ओवरऑल खाना मैं 5 में से 4 रेटिंग दूंगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं है, कुछ ही वैरायटीज़ हैं, मगर जो भी वैरायटीज़ हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग अगर कोई भी एक डिश लेंगे तो आप लोग खा पाएंगे उसको अच्छे से। सो ब्रेकफास्ट में मेरा तो ओके, बाकी लंच और डिनर हम लोगों ने किया था तो वो उसमें भी वैरायटीज थी, उसमें ही मज़ा आया हम लोगों को। तो खाने की, जैसा मैंने आपको बोला कि खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप शिप पे आ रहे हैं, वेज नॉन वेज जैन फूड एवरीथिंग इज़ देयर। सो गाइज ये हमारा फ्लोर है, ये डेक 8 है, यहाँ पर काफ़ी जगह है बैठने की, अगर आप लोगों को बैठना है तो आप लोग बैठ के यहाँ पर व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग है यहाँ पर, हालांकि साफ नहीं किया है मेरे कांच को, तो बहुत अच्छा था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मॉर्निंग का कैसा व्यू होता है। इधर आपका 10th फ्लोर पे 10th डेक पे फूड कोर्ट है, यहाँ पर लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ें मिलेंगी। इससे आप बाहर निकलेंगे तो स्विमिंग पूल है,
और कुछ एक्टिविटीज हैं रॉक क्लाइंबिंग में, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। तो 10 डेक से ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अल्टीमेट व्यू दिखेगा। मोस्ट क्लोज टू ब्लू पानी हो गया है, अभी बहुत डीप है इसलिए बहुत डार्क ब्लू दिख रहा है। सो मैं शिप के बिल्कुल फ्रंट पे आ गया हूँ और यहाँ से बहुत अल्टीमेट व्यू है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा, यहाँ पर पूरा ये, मेरे को आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि शिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता था नॉर्मल तरीके से सेल करते हुए, मगर इसका जो इंजीनियरिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा। बाकी आप लोग व्यू इन्जॉय करिए। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत अमेजिंग जिम है व्यू के साथ, अगर आप लोग एक जिम फ्रीक हैं तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। आप लोग देखिए बहुत अच्छी अमेजिंग मशीन है, नई मशीन है लाइफ फिटनेस की, और व्यू तो बिल्कुल मेस्मराइजिंग है। अगर आप लोग इस व्यू में वर्कआउट करोगे तो और मोटिवेशन आएगा। बाकी यहाँ पर यू कैन डू प्राणायाम ऑल्सो, एक डेली सेशन होता है 9 से 10 बजे का, सो वो भी मैं क्लिप डाला है मैंने आगे, तो आप लोग इसको देखिए और आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज। सो गाइज़ अभी हम लोग रॉक क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं, तो उसका जो चार्ज है वो $2 प्लस टैक्सेस है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके नाखून बड़े हैं जैसे लड़कियों के होते हैं तो आप लोग नहीं कर सकते, तो अगर आप लोग रॉक क्लाइंबिंग करनी है तो आपके नाखून प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि आपको ग्रिप करने के लिए होना चाहिए वहाँ पर, और आप लोग प्रॉपर टी शर्ट लोअर और स्पोर्ट्स शूज़ में होना चाहिए जिससे ग्रिप आए। तो ये मेक श्योर करिए अगर आप लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपको करना है तो आपको नाखून जो है वो आपके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और मज़ा आता है कि नहीं। लिफ्ट भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी बड़ी लिफ्ट है, 4 लिफ्ट हैं यहाँ पर, 2 कैप्सूल लिफ्ट हैं और 2 नॉर्मल लिफ्ट हैं, जो नॉर्मल लिफ्ट हैं वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बड़ी लिफ्ट हैं वो। चलिए मेरे पीछे जो है वो रॉक क्लाइंब है यहाँ पर जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। बाकी देखिए पानी जो है ऑलमोस्ट ब्लू हो गया है, डार्क ब्लू है क्योंकि काफ़ी डीप है जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और ये जो रॉक क्लाइंबिंग है वो शिप के एंड में है, आपको शिप के एंड पे आना पड़ेगा डेक 10 पे, तो आपको रॉक क्लाइंबिंग मिलेगी। अमेजिंग, मज़ा आया बहुत। आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग ये ज़रूर करिए, मगर ये बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है इन द ओशन व्यू। मगर सो गाइज़ अगर आप लोगों को एक्टिविटी करनी है तो आप लोग एक्टिविटी भी कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने रॉक क्लाइंबिंग कर ली जो $2 प्लस टैक्सेस था, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रिज टूर बुक किया, मतलब ब्रिज टूर का मतलब ये होता है कि जहाँ से सेल होता है, जहाँ कैप्टन बैठता है वहाँ का पूरा प्रॉपर टूर कराते हैं वो लोग, तो उसका $20 है पर पर्सन पर अडल्ट। उसके बाद हम लोगों ने मैजिकल इवनिंग करा है, जो कोई सेलिब्रिटी मैजिशियन है वो आके शो करेगा तो उसका कुछ $11.5 है, और हम लोगों ने रिफ़िल भी कराया, तो हम लोगों ने पहले 5,000 रुपये रिफ़िल कराया था जब हम लोग बोर्ड कर रहे थे शिप, हम लोगों ने 5,000 और कराया अभी, तो मेक श्योर आप भी कराओ। और एक्सकर्जन भी है यहाँ पर, एक्सकर्जन तीन टाइप के एक्सकर्जन है, एक बेसिक है, एक मीडियम है, और एक जिसमें स्कूबा डाइविंग होती है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो तीनों आप लोग देख सकते हैं। और जो हमने है वो बीच वाले ही कराया है, हम लोग स्कूबा डाइविंग नहीं करने वाले क्योंकि बहुत ही बेसिक कराते हैं, हम लोगों ने अपने मालदीव्स में अच्छे से स्कूबा किया था तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं करना है। बाकी जो बेसिक है उसमें आपको आइलैंड लेके जाएंगे और आइलैंड से वापस लेके आएंगे, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को ही करनी पड़ेंगी, आप लोग घूमना है, शॉपिंग करनी है, जो भी करना है वो आप लोग कर सकते हो, तो बाकी डिटेल स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप लोग ये सब कर सकते हैं एक्टिविटीज़।
आप लोग एक्सकर्शन शुरू से बुक करके नहीं आ रहे हैं, पहले से ऑनलाइन बुक नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्यू में खड़ा होना पड़ेगा और $1 to $2 एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। तो मेक श्योर अगर आप लोग एक्सकर्शन कर रहे हैं तो आप लोग पहले से ही बुक करा के आएँ, यहाँ आके नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यू रहता है और भरोसा नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो ये है कि हो सकता है कि गेस्ट कम हो यहाँ पर इसलिए मिल रहा हो, बाकी अगर हो सकता है अगर आप लोग पीक टाइम पे आए तो नहीं मिले। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग एक्सकर्शन बुक कर रहे हैं तो आप लोग पहले से ही बुक करा के आएँ। अगर आप लोग एक्सकर्शन प्री बुक कर लेते हैं तो मेक श्योर आप ये कलेक्ट करें, ये एक टैग है जो आपको आपकी टी शर्ट पर लगाना पड़ेगा या शर्ट पर लगाना पड़ेगा जो आप पहन के जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई सेपरेट लाइन नहीं है, जो प्री बुक करके आए हैं, जो अभी बुक कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के उसको पहले कलेक्ट कर लीजिए और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है मैं उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप लोग वो सब चीज़ें फॉलो करिए। अगर आप लोग ब्रिज टूर बुक कर रहे हैं तो वो 12:30 to 3 तक होता है और हर आधे घंटे के ब्रेक में होता है, जैसे 12:30 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, और आप लोगों को रिसेप्शन पे आना पड़ेगा ये बुक करने के लिए, दैट इज़ ऑन डेक 5। सो मेक श्योर कि आप लोग इसको पहले बुक कर लें क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। और ब्रिज टूर आप लोग ज़रूर करिए क्योंकि उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताया जाएगा कि शिप में क्या क्या कैसे कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग इसको ज़रूर करिए। These things like barbecue things, okay. There the captain, when we go to port, they will go there. This is the main control, this is second and the third one. So guys, हम लोगों का टूर हो गया है। टूर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी इन लोगों ने हमें, जो ब्रिज टूर की मैं बात कर रहा था उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, कैसे नेविगेट करते हैं वहाँ पर। तीन लोग आप लोग वीडियो पे देख रहे होंगे, वहाँ पर तीन लोग बायनोकुलर लेके खड़े होते हैं 24 आवर, वो लोग चेक देखते हैं बायनोकुलर से कि कोई है तो नहीं। बाकी बहुत सारी शिप्स जो होती हैं वो इलीगल चलती हैं, इलीगल इन द सेंस बहुत सारी जो फिश शिप्स होती हैं वो लाइट बंद कर लेते हैं फिशिंग की वजह से, इलीगली पैसे कमाने के चक्कर में। तो ऐसी शिप्स रात में बीच में आती हैं तो वो जो है वो रेडार से देखते हैं, आप रेडार देख रहे होंगे, वो सब रेडार पे दिखता है उनके। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं और बहुत अमेजिंग है। अगर आप लोग आ रहे हो तो आप ज़रूर ये ब्रिज टूर करो क्योंकि पूरा वर्थ इट है, अंदर पूरा लेके जाते हैं वो लोग, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एरिया है और काफ़ी अमेजिंग है, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो आप लोग डेक 6 पे आ सकते हैं। तो स्टार्ट होता है अभी कैसीनो से होके आए, तो यहाँ पर कैसीनो भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है कैसीनो तो आप लोग यहाँ आके कर सकते हो। तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी हम लोगों को। और अभी हम लोगों ने एक मैजिशियन शो बुक किया है जो 4 बजे है, उसका मैंने आपको रेट बताया था $11, $11.5 पे, तो हम लोग वो अटेंड करेंगे। फिर हैप्पी आवर से 2 से 3 बजे जो प्रीमियर, जिन लोगों ने प्रीमियर बुकिंग कराई है उन लोगों के लिए, तो ऑल इन बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस हम लोग डे 2 के लंच पे आए और लंच में हम लोगों ने स्टार्टर से यूज़ किया है, हम लोगों ने टोमेटो का रसम, फिर दही कबाब है, यहाँ पर पोटैटो है, यहाँ पर मैंने तो नॉर्मल सा एक पापड़ लिया। काफ़ी अच्छा है, वैरायटीज ऑफ लंच है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जिस शिप में हम जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी 1800 गेस्ट की है, मगर करेंटली 600-700 लोग ही ऑन बोर्ड हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि बहुत सारा क्राउड नहीं है यहाँ पर। एंड वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो दोपहर का 3:30 बज रहा है और हम लोग कनेक्शंस पे जा रहे हैं जहाँ पर मैजिकल शो हमने सुबह बुक किया था, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा रहेगा और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। सो यहीं पर मैजिकल शो है, आप लोग मैजिकल शो यहाँ पर आके देखेंगे जब आप लोग अगर बुक करेंगे तो। सो लेट्स टेक द बेस्ट सीट।
a little bit of precision. This should be the King of Diamond. It is the King of Diamond. Have you seen something like this before, Nikita? No? Okay. So I'll go like this again. I'm aiming for King of Clubs. And what? Yeah. It's risky stuff, guys. Okay, King of Clubs. Which king is missing? Exactly the word that lady was thinking now. That, and I was blown away. It happened twice. हम लोगों ने तेजस का शो देखा, मैजिशियन जो सेलिब्रिटी मैजिशियन है. मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ मैजिक में, मगर मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा शो देखा, ऐसा मैजिक देखा. मैं तेजस का डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूँगा. अगर आप लोग तेजस के शो आपके शहर में या अगर आप कौटिला आ रहे हो तो आप बिल्कुल मिस मत करो, पूरा पैसा वसूल है. बहुत मज़ा आया हम लोगों को. तो गाइज अभी हम लोग बल्ले बल्ले शो देखने आए, और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग आधे घंटे पहले आ जाओ शो के, क्योंकि यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं. तो आप लोग सीट्स पहले आके ले लो. शो बहुत अमेजिंग है. मैं आप लोगों को थोड़े क्लिप्स डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देखना, और आप लोग ज़रूर आना अगर आप लोग कौटिला पे आ रहे हो तो. दीज आर द सीटिंग अरेंजमेंट. ऊपर भी बैठ सकते हो आप लोग. सो यू हैव टू कम अर्ली, पहले आना पड़ेगा आप लोगों को. तो गाइज अभी हम लोगों का डिनर हो गया है. आज डे टू का एंड हो गया है. कल हम लोगों ने बोट की थी शिप, बहुत मज़ा आया. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे थोड़ा प्यार दीजिए. और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा. और जो भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं उसमें हमें बहुत मज़ा आया, पूरा पैसा वसूल है. हम लोगों ने बल्ले बल्ले शो भी अटेंड किया, तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत अमेजिंग है वो. दो घंटे का शो होता है, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं. बहुत बहुत मेसमराइजिंग है, बहुत मज़ा आया हम लोगों को. तो कीप वॉचिंग गाइज, एंड मेरा वीडियो देखते रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ़.